जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल को, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ आपका हमेशा भला करें, आपका हित करें, बस मेरी यही ईश्वर से कामना है। अगर जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से वर्तमान में आप गुजर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका शुल्क, उसका फीस लागू है। दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात को शुरू करूँ कि कई बार हम जाने अनजाने में ये बात किसी को कह देते हैं, कई बार ये चीज़ें हम ना चाहते हुए भी किसी को बताना पड़ती है और इस वजह से बहुत सी परेशानियाँ हमारे साथ शुरू हो जाती हैं। तो वो कौन कौन सी बातें हैं और वो कौन कौन सी परेशानियाँ हैं जो इससे हमारी खड़ी हो सकती है, तो नहीं कहना किसी से आज का वीडियो का शीर्षक है। इस बात को अपने जीवन में आप गांठ बांध लें ताकि आपके जीवन में आप एक बड़ी से बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में लिखना है आपको ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभो, हर हर महादेव। और अगर अपने जीवन में कोई तकलीफ़ या परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, पर कमेंट्स में भोलेनाथ का एक नाम लिखना मत भूलिएगा। नहीं कहना किसी से भी, जब भी हमारी जीवन में तकलीफ़ें या परेशानी आती रहती है तो जो हमारी मजबूरियाँ हैं, बहुत से लोग उन मजबूरियों की फ़ायदा उठाने के लिए अग्रसर होते हैं, इसलिए अपनी मजबूरियों का बखान और अपनी मजबूरियों को कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक बात याद रखें कि उन्हीं से शेयर करें जो हमारे बहुत खास हैं। और मुझे नहीं लगता कि एक नॉर्मल आदमी के, एक सामान्य आदमी के जीवन में दो चार लोग खास होते हैं, उससे ज़्यादा बमुश्किल खास होते हैं। तो जो भी मजबूरियाँ हैं, उन मजबूरियों को उन खास लोगों से शेयर करें और उन्हें भी कहें कि हमारे बीच में रहने दें और जो भी इसका हल हो हम उस पर बात करें। ज़्यादातर लोगों के साथ ये होती है कि अपनी मजबूरी बताई कि सामने वाला अपनी मजबूरी के फ़ायदा उठाने के लिए वो आगे आ जाता है और हम समझ भी नहीं पाते कि ये मदद है या हमारी मजबूरी का फ़ायदा है, और बस ये मदद और मजबूरी के फ़ायदे के बीच का जो फासला है इसमें हम उलझ जाते हैं। तो किसी से भी कभी भी जाने अनजाने में ये बात ना कहना। दूसरी बात है कि जब भी कोई परेशानी या तकलीफ हो, आप मानवों पर यकीन कम रखें, भोलेनाथ को कहें कि हे भोलेनाथ, तू ही किसी को भेज और मेरी रक्षा कर, कृपा कर, तुझे ही मेरी मदद करना है। जब आप भोलेनाथ को ये बात कहेंगे, मैं पक्का आपसे वादा कर रहा हूँ कि भोलेनाथ, ईश्वर, भगवान आपकी ज़रूर किसी न किसी रूप में मदद करने ज़रूर आएंगे, किसी को भेजेंगे मदद करने के लिए और आपकी मदद ज़रूर होगी। तो किसी से नहीं कहें, सिर्फ ईश्वर से कहें, भोलेनाथ से कहें। इसमें दूसरा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है भोलेनाथ का जप। आप सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर, इसके अलावा कोई परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।